तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा ये तीन कॉइन्स के बारे में। ये देखिए, दो दो रुपए का कॉइन्स है और एक है एक रुपए का कॉइन्स। ये दोस्तों 1994 वाला कॉइन्स है और ये दोस्तों 1993 वाला कॉइन्स है। तो इस तीनों कॉइन्स का प्राइस जानने के लिए मेरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल कॉइन मास्टर MD में। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा दो रुपया कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों ऐसा जो कोपरनिकल का दो रुपये का कॉइन, तो ऐसा दो रुपये का कॉइन्स आप लोगों के पास भी है कोपरनिकल का, तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये सभी कॉइन्स दोस्तों दो रुपये का है। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा दो रुपये का कॉइन्स ज़्यादा मात्रा पर है तो ऐसा वाला कॉइन्स में आपको भी मिल सकता है महंगा कॉइन्स। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा दो रुपया कॉइन्स के बारे में 1994 और 1993। तो दोस्तों ये देखिए, इसी दोनों कॉइन्स के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों के पास भी 1994 का या 1993 का कॉइन्स है तो ऐसा वाला कॉइन्स में आपको क्या क्या चीज़ देखना है, यही मैं मेरे वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो बात करेंगे 1994 का जो कॉइन्स है दो रुपये का, इसी कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों ऐसा वाला कॉइन्स को डाला गया था 1992 से लेकर 2004 तक। और ऐसा वाला कॉइन्स का मेटल होता है कोपरनिकल, वेट है 6 ग्राम, साइज 26 mm, सेब है 11 सर। ये है दोस्तों कॉइन्स का ओवर साइड, ये देखिए, ये है दोस्तों रिवर्स साइड। तो दोस्तों 1994 में इस कॉइन्स को भारत का चारों मिंट से डाला गया था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो तीन मिंट दोस्तों नॉर्मल है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है ये दोस्तों कॉमन होता है। और दोस्तों सबसे जो ज़्यादा प्राइस का होता है वो होता है नोएडा मिंट का। अगर आप लोगों का पास भी 1994 का नोएडा मिंट का है तो ये आपको दिला सकता है 50 रुपया से 200 रुपया तक, फाइन कैश में 50 रुपीज़ और ENC कंडीशन में 200 रुपीज़ 1994 नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों ऐसे वाला कॉइन्स में आपको महंगा कॉइन्स भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पे, तो दोस्तों ये है इरोर कॉइन्स 1994 वाला दो रुपये कॉइन्स का। तो दोस्तों अगर ऐसा वाला इरोर कॉइन्स अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो, ऐसी कॉइन्स की प्राइस होता है 200 रुपया से 500 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़ और ENC कंडीशन में 500 रुपीज़ ऐसा वाला जो इरोर कॉइन्स है दोस्तों, तो ऐसा वाला इरोर कॉइन्स का प्राइस है। अगर दोस्तों ऐसा इरोर कॉइन्स आप लोगों का पास है तो ये आप बिकने जाओगे तो आपको ये मिल सकता है 100 रुपया से 300 रुपया तक। गौर से सुने दोस्तों, अब रेयर कॉइन्स हो, इरोर कॉइन्स हो, कोई भी कॉइन्स हो, आप कॉइन एग्जीबिशन में बिकने जाओगे तो आपको दोस्तों इतना प्राइस नहीं मिलेगा। तो ऐसा इरोर कॉइन्स बिकने जाओगे तो आपको मिल सकता है 100 रुपया से 300 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ और ENC कंडीशन में 300 रुपीज़ ऐसे वाला इरोर कॉइन्स का प्राइस है बिकने जाओगे तो। अगर दोस्तों आप लोग एक खरीदने जाओगे कॉइन एग्जीबिशन में तो ये आपको ENC कंडीशन में 500 रुपया तक देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉइन्स है 1993 वाला, ये देखिए। तो दोस्तों 1993 का जो कॉइन्स है, कोई सा भी मिंट हो दोस्तों, सभी मिंट का कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल है, कोई आपको ENC कंडीशन में 30 रुपया तक दे सकता है। ऐसे तो दोस्तों ये 1993 वाला दो रुपया कॉइन्स फेस वैल्यू है, दो रुपया कॉइन्स का वैल्यू दो रुपया ही है। तो दोस्तों ऐसे एक कॉइन्स आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ 1993 वाला, जो दो रुपये का कॉइन्स है, उसी कॉइन्स को अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 5000 रुपया तक देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पे, तो दोस्तों ये जो कॉइन्स दिखाई दे रहा है ये दोस्तों 1993 वाला कॉइन्स है। गौर से देखिए, इस कॉइन्स में एक चीज़ आपको दिखाई देगा। तो ये जो कॉइन्स है दोस्तों, इस कॉइन्स को ट्राई के लिए बनाया गया था, ये दोस्तों ट्राई वाला कॉइन्स है, ट्राई के लिए इस कॉइन्स को बनाया गया था। तो गौर से देखिए इस कॉइन्स को, यहाँ देखिए दोस्तों EXP लिखा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों इस कॉइन्स को ट्राई के लिए बनाया गया था। अगर दोस्तों ये कॉइन्स अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो तो इस कॉइन्स को आपको ENC कंडीशन में 5000 रुपीज़ तक देने पड़ सकते हैं। ये आपको कॉइन एग्जीबिशन में मिल जाएगा, अपने कलेक्शन में ऐड कीजिए इस वाला कॉइन्स को, ये काफ़ी दोस्तों महंगा कॉइन्स है। तो दोस्तों और एक मैं एक रुपया कॉइन्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आज की डेट में काफ़ी महंगा कॉइन्स है। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों 1991 का एक रुपये का कॉइन्स है। तो दोस्तों ये जो कॉइन्स है ये दोस्तों सिंगल मिंट कॉइन्स है। तो ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों के पास भी है तो इस कॉइन्स का प्राइस दोस्तों आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कॉइन्स आप लोगों का कलेक्शन में नहीं है तो इस कॉइन्स को दोस्तों
अपने कलेक्शन में ऐड कीजिए। ऐसे वाला कॉइन्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो इस कॉइन्स का प्राइस जानने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं नोट एंड कॉइन्स के बारे में आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।